क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बुधवार को सट्टा खाईवाली करने वालों पर कार्रवाई की है। शहर में यूनिट 3 ने दो कार्रवाई की है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 2 आरोपी फरार है। नागपुर पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बुधवार को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के 2 टीम ने सट्टा खाईवाली करने वालों पर कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई कलमनाथ थाना अंतर्गत वंजारा परिसर में की है, जहां अशफाक अंसारी और जावेद खान अपने अन्य एक साथी के साथ मिलकर वंजारा के एक घर पे बैठकर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 1 आरोपी फरार है। वहीं दूसरा मामला शांति नगर पुलिस स्टेशन के हद का है, जहां आरोपी जगदीश वाघमारे अपने साथी राहुल और गंपू डहाके के साथ मिलकर सट्टा खाई वाली कर रहा था। जानकारी मिली है कि राहुल कुख्यात आरोपी बोमा बुकी के लिए काम करता है। इस मामले में आरोपी जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ आफ्रिका अशी क्रिकेटची मॅच होती, त्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार विविध भागात शहरात पेट्रोलिंगच्या दरम्यान पोलीस स्टेशन कळमना अंतर्गत अशफाक अन्सारी आणि जावेद खान युसुफ खान हे घेत आहेत असं म्हणून माहिती मिळाली। तर PSI काटोगे साहेब आणि त्यांच्या टीमने 7 मोबाईल, TV, चार्जर, डॉटपेन खायवाडीचं असं टोटल 1,51,405 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करून पोलीस स्टेशन कळमना येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आरोपीविरुद्ध। तसेच पोलीस स्टेशन लक्कळगंज हद्दीत जगदीश उर्फ जग्गू, दिलीप वाघधरे आणि राहुल गंपू डाके हे क्रिकेटवर खायवाडी करत आहे अशी माहिती मिळाल्यामुळे पोलीस स्टेशन लक्कळगंज येथे एक सॅमसंग मोबाईल, खायवाडीचं कागद आणि नगदी 26 रुपये असा मुद्देमाल जप्त करून पोलीस स्टेशन लक्कळगंज येथे गुन्हा असे 2 गुन्हे काल दाखल करण्यात आलेले आहेत। आणि तसं हे चालू आहे काढणे माहिती करून पूर्ववर्ती अजूनही जे म्हणजे आहेत सध्या मॅचेस त्याच्यावरही आमचं विशेष लक्ष असून तर काही कुठेही काही प्रकार घडून आले त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्याची ठेवली आहे। नागपूर पुलिस एक्शन मोड में है। इस कार्रवाई से सट्टा लगाने वालों में खौफ का माहौल है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।